योगी ने मोदी के गुजरात में मचाया गदर। केजरीवाल हो या कांग्रेस, सबके लिए खबर। भगवाधारी योगी की रफ्तार से गुजरात में गदर। मोदी के बाद शाह या योगी, किसकी ज्यादा डिमांड। गुजरात के मुख्यमंत्री ने जनता को दे दिया जवाब। एक वक्त था जब बीजेपी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता अमित शाह को माना जाता था। यहां तक कि जहां भी चुनाव होता था, मोदी के बाद सबसे ज्यादा किसी नेता की डिमांड होती थी तो वो अमित शाह ही थे, जो तीखे तेवर के साथ विपक्ष पर प्रहार करते थे। लेकिन आज के दौर की बात करें तो इस वक्त बीजेपी में मोदी के बाद सबसे दमदार चेहरा किसी को माना जाता है तो वो है योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अपने काम के दम पर बीजेपी को यूपी में जीत दिलाई। और आज मोदी के गुजरात में भी सबसे ज्यादा किसी नेता की डिमांड है तो वो है सीएम योगी आदित्यनाथ। और ये बात जब गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से पूछी गई तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप भी सुन लीजिए। खबर तो यहां तक है कि बीजेपी के तमाम उम्मीदवार चाहते हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र में मोदी या योगी की कम से कम रैली हो जाए, जिससे वो चुनाव जीत सके। मगर अब तो दूसरे यानी आखिरी दौर का चुनाव प्रचार भी थम गया। लेकिन वोटिंग से पहले जिस तरह से सीएम योगी ने धुआंधार रैलियां की हैं, वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की ये रणनीति थी कि योगी की बढ़ती डिमांड को देखते हुए गुजरात में उनकी ज्यादा से ज्यादा रैलियां कराई जाए। इसलिए सीएम योगी ने दिल्ली एमसीडी चुनाव में भी प्रचार नहीं किया। एमसीडी चुनाव में प्रचार के लिए राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे नेताओं को भेज दिया गया और योगी को गुजरात पर फोकस करने की छूट दे दी गई, जो बता रहा है कि बीजेपी भी ये बात जानती है कि मोदी के बाद योगी ही वो चेहरा है जिनके नाम पर जनता वोट दे सकती है। और ये सच गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल की जुबान पर भी आ गया जब हाल ही में उनसे दिल्ली के एक पत्रकार ने पूछा कि गुजरात की रैलियों में पीएम मोदी के बाद किस नेता की सबसे अधिक मांग है, तो सीएम पटेल ने मासूमियत से जवाब दिया कि योगी आदित्यनाथ पसंदीदा है। हालांकि भाजपा के गुजरात प्रभारी सीआर पाटिल ने किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए जल्दी से बीच में ही टोकते हुए कहा कि स्टार आकर्षण निसंदेह अमित शाह थे। सीएम योगी की चुनावी रैलियों के आंकड़े बता रहे हैं कि मोदी शाह के गढ़ में मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड सीएम योगी की थी। यही वजह है कि जब गुजरात में सीएम भूपेंद्र पटेल से पूछा गया मोदी के बाद बीजेपी के किस नेता की सबसे ज्यादा डिमांड है, तो उनकी जुबान से सीएम योगी का नाम निकल ही गया। जिसके बाद तुरंत बीच में टोकते हुए बीजेपी के गुजरात प्रभारी सीआर पटेल ने अमित शाह का नाम ले लिया, क्योंकि ये बात शायद वो भी जानते हैं कि बीजेपी में मोदी के बाद योगी ही सबसे लोकप्रिय चेहरा है। तो वहीं एक बात ये भी तय मानी जाती है कि मोदी के बाद अगर दूसरे नंबर पर कोई नेता है तो वो बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ही है, पार्टी में जिनका भौकाल रहता है। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि लोकप्रियता के मामले में मोदी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ही है। और उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि जनता तो अभी से सीएम योगी को प्रधानमंत्री बनाने के बारे में सोचने लगी है। बीजेपी नेता तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि बेटा चाय वाला है, झेल लो, वो गाय वाला आ गया तो तुमसे झेला भी नहीं जाएगा। हम अकेले हैं। वो जम्मू कश्मीर में 370 के नाम पे जो इस्लामिक ताकतों के हाथ में पूरी की पूरी जमीन सौंप दी गई थी, उसको वापस लेने वाले पूरे विश्व में 2000 साल के इतिहास में अगर कोई एक समाज है तो वो हम हैं। किसने वापस लिया है, वापस लेके दिखाया है, अपनी भूमि को वापस लेके दिखाया, अपनी पहचान को वापस लेके दिखाया है। और ये केवल अंगड़ाई है, अभी तो हमने केवल आंखें खोली हैं।
अभी तो हम उठ के खड़े नहीं हुए हैं, अभी तो हमने चलना शुरू नहीं किया है, और तुम्हें अभी से चाय से और योग से डर लगने लग गया है। चाय वाले का तुम बिगाड़ क्या लोगे, और योग वाला आ गया तो तुम उखाड़ कुछ नहीं पाओगे। मैं तो कई बार ये कहता हूं, बेटा ये चाय वाला है इसे झेल लो, वो गाय वाला आ गया तो तुमसे झेला नहीं जाएगा। हमारा तो दर्द है, हमारे दिल्ली में गलत आदमी बैठा हुआ है, वरना वो ताहिर हुसैन की कातिल बिल्डिंग आज उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा होता। बहरहाल एक बात तो तय है कि मोदी और अमित शाह ने मिलकर साल 2017 में जिस योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया था, वो योगी आज अपने काम के दम पर जहां दोबारा बीजेपी को सत्ता में लेकर आए, तो वहीं गुजरात में उनकी 22 रैलियां और 3 रोड शो ये बताने के लिए काफी हैं कि यूपी ही नहीं पूरे देश में योगी की डिमांड बढ़ रही है, और अब तो उन्हें मोदी के बाद दूसरे नंबर के नेता के तौर पर भी देखा जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, मोदी के बाद बीजेपी में सबसे मजबूत चेहरा किसका है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। याद करिए 20 वर्ष पहले इसी गोधरा में राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपने आप को बलिदान देना पड़ा था, और प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति, जिस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व मिल रहा है, आज उसका परिणाम है कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भारत की आस्था का सम्मान भी है, और गोधरा के राम भक्तों के प्रति सम्मान का भाव भी है। बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके आज देश की आस्था का सम्मान हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, उज्जैन में महाकाल के महालोक का निर्माण, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम के पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का कार्य, द्वारिका धाम के पुनरुद्धार का कार्य, भाइयों बहनों ये सभी कार्य बखूबी संपन्न हो रहे हैं। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है। कांग्रेस के पास कितने हैं मालूम है आपको? 2। और आम आदमी पार्टी के पास कितना है? 0। यानी कांग्रेस को 2 दिए हैं, राम नाम सत्य के लिए भी 4 लोग चाहिए होते हैं।